अडानी ग्रीन एनर्जीज के शेयर शुक्रवार 30 सितंबर को NSE पर इंट्राडे में लगभग 20% की तगड़ी रैली के साथ 2,405 रुपए के स्तर पर पहुंच गए। खास बात ये रही कि अडानी ग्रुप के शेयर में हैवी वॉल्यूम के साथ ये तेजी देखने को मिली। हालांकि बाद में तेजी कुछ सीमित हो गई और कारोबार के अंत में ये शेयर 2,260 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। NSE और BSE पर शेयर की एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 गुने से ज्यादा होकर 61 लाख शेयरों तक पहुंच गई। हालांकि आज की रैली के बावजूद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने पिछले 1 महीने में बाजार की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया है। ये इस अवधि में 7% टूटा है, जबकि निफ्टी 50 में 4% की गिरावट रही है। स्टॉक ने 19 अप्रैल 2022 को अपना रिकॉर्ड हाई छुआ था। AGEL की प्रमोटर कंपनियों में से एक स्पिड्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने 935 करोड़ रुपए में कंपनी के कुल 40 लाख इक्विटी शेयर खरीदे, जो कंपनी की 0.25% इक्विटी के बराबर है। एक्सचेंज से मिले डेटा के मुताबिक कंपनी ने 15 से 26 सितंबर के बीच बाजार से ये सौदे किए हैं। वहीं AGEL ने गुरुवार को राजस्थान के जैसलमेर में 600 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा कोलोकेटेड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। इस प्लांट के लिए कंपनी 25 साल के लिए 2.69 रुपए प्रति किलोवाट आर पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट कर चुकी है। AGEL के पास ऑपरेटिंग अंडर कंस्ट्रक्शन और अवार्डेड असेट सहित कुल 20.4 GW के कुल प्रॉफिट के साथ सबसे बड़े वैश्विक रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में से एक है। कंपनी ग्रिड कनेक्टेड सोलर, विंड फार्म और हाइब्रिड प्लांट का विकास, परिचालन करती है और ओनरशिप रखती है। AGEL के कस्टमर्स में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और विभिन्न राज्यों के डिस्कॉम्स शामिल है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।